हम देख रहे हैं मार्केंसिया, जिसमें मार्केंसियसी फैमिली के बारे में हमने देखा था इसके फर्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे मार्केंसिया की जो गेमिटोफाइड स्टेज है, स्पोरोफाइड स्टेज है, अर्थात मार्केंसिया में हमको किन किन जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना है, डिटेल स्टडी हम देखेंगे। तो मार्केंसिया यदि एग्ज़ाम में आता है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिटेल से एग्ज़ाम में लिखना है, उसके बारे में फ्लो चार्ट के द्वारा बताया है। तो हम देखें सबसे पहले जिसको कि गेमिटोफाइटिक फेस कहते हैं या युग्मकोद्भिद अवस्था हम कहते हैं। तो गेमिटोफाइड स्टेज देखें तो थैलस की आकारिकी हमको इसमें देखना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। देन हम इसमें देखेंगे इसमें कुछ थैलस, जैसे हम पढ़ेंगे क्या डिटेल्स है इसमें। थैलस जो है डार्क ग्रीन कलर का होता है, जो रिक्शे की तरह ही भूमि पर रेंगने वाले प्रोस्ट्रेट डॉर्सी वेंट्रल और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। थैलस की लंबाई देखें तो 2 to 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। डॉर्सल सरफेस पर बहुत स्पष्ट इसमें मिडरिप पाई जाती है कि हमने ये भी देखा है। तो एनाटॉमी ऑफ थैलस में अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन, ये आएगा दो पार्ट। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि गेमिटोफाइटिक स्टेज में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। थैलस की आंतरिक संरचना एनाटॉमी, इसमें अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन देखेंगे हम। देन इसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की मेथड क्या है, तो वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वर्धी प्रजनन जिसमें कई प्रकार की मेथड जो बताई गई हैगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है जो कि N3DO4 आर्किगोनियो4 के द्वारा होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैगा मार्केंसिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें जो गेमी जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, गेमी गेमा कप जिसमें पाया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है। खासकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक स्पेशल मेथड हैगी बाय गेमी, ठीक है, जो गेमी है उसके द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम N3DO4 आर्किगोनियो4, जिसमें मेल रिसेप्टिकल एंड फीमेल रिसेप्टिकल के बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर यहाँ पर मेल रिसेप्टिकल जो है उसको N3DO4 या हम N3DM का डेवलपमेंट हम इसमें देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ N3DM। फीमेल रिसेप्टिकल में आर्किगोनियो4 एंड आर्किगोनियो का जो है डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, निषेचन, निषेचन के बाद हम देखेंगे इसमें किस प्रकार स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है और जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो कैसे आती है। तो इसमें हम आगे देखें जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो क्या होती है। हम देखें इसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज, जिसमें कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो क्या होती है, जिसमें हम एक परिपक्व जो स्पोरोफाइट है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जर्मिनेशन ऑफ जायगोट देखेंगे, जायगोट किस प्रकार जर्मिनेट हो रहा है, अंकुरण हो रहा है जायगोट का या स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है। इसमें देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, अर्थात जो स्पोरोफाइट है परिपक्व वाला उसका जो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जिसमें फूड सीटा एंड कैप्सूल क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फूड क्या है, सीटा क्या है, ठीक है, या फूड के बारे में देखें तो ये बेसल पार्ट होता है जो आर्किगोनियो4 के टिश्यूज़ में इम्बेल्ड होता है, अर्थात घसा हुआ रहता है, और आर्किगोनियो4 ये सीधे रखता है और भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके कैप्सूल तक पहुंचाता है, फूड का कार्य ये होता है। सीटा देखें तो यह स्टार्क के समान संरचना होती है, फूड एवं कैप्सूल के मध्य स्थित होता है, या कैप्सूल के परिपक्व हो जाने पर सीटा लंबाई में ग्रोथ करके कैप्सूल को बाहर की ओर धकेलता है, ठीक है। इसके बाद कैप्सूल देखें तो कैप्सूल का स्ट्रक्चर भी यह स्पोरोगोनियम का अग्रस भाग होता है जो थीका कहलाता है, जिसको कि हम थीका कहते हैं। यह गोल होता है और जिसके चारों तरफ सिंगल लेयर्ड एक जैकेट प्रेजेंट होता है, जो कैप्सूल के अंदर इलेटर्स और हेप्लॉइड भरे हुए होते हैं, अर्थात इलेटर्स जो होते हैं वो कैप्सूल के अंदर भरे हुए होते हैं। फिर आगे देखें हम जिसमें जो बताया गया है जो कैप्सूल का स्फुटन और स्पोर्स का विकरण, अर्थात डेहेसेंस ऑफ कैप्सूल एंड स्पोर्स डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, किस प्रकार स्पोर्स का विकिरण होता है और जो कैप्सूल है वो प्रस्फुटित होते हैं, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल से। फिर यंग गैमेटोफाइट क्या होता है, युवा गैमेटोफाइट का निर्माण, जिसमें स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, किस प्रकार स्ट्रक्चर जो है उसका स्पोर्स का और जो है जर्मिनेशन होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखेंगे हम। देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ साइकिल जो मार्केंशिया की दी गई कई बार एग्जाम आई उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मार्केंशिया के बारे में हमको डिटेल से क्या क्या पढ़ना, तो ये जो है की पॉइंट है एक बताया गया इस फ्लो चार्ट के द्वारा कि ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, पढ़नी है मार्केंशिया में।